अब मान लो आपका एक फोर्स एफ लग रहा है जो कि वेरिएबल फोर्स है एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी आपने जस्ट पहले एग्जांपल ऐसा ही किया है, तो अपने आप वो क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एफ एक्स आई कैप डी आर वैक्टर ऐसे लिखोगे तो एफ एक्स डी एक्स बनेगा, ठीक है ना। फोर्थ एक्सेस के अलोंग ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो आपका वर्क क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आ रहा है। तो जो आपको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है उससे आप बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजिशन ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस, ठीक है ना। उसी से आप बोल सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजिशन ग्राफ, एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजिशन ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्क निकलेगा इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब क्या हो गया, एरिया बाउंडेड बाई फोर्स टाइम ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस, फोर्स एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजिशन ग्राफ, ये मैंने गलत लिख दिया ना, ऑन पोजिशन एक्सिस होना चाहिए, यहाँ पोजिशन करिए इसको, ठीक है ना। ये पोजीशन होगा आपका ऑन पोजीशन एक्सिस, फोर्थ पोजीशन का बना रहे हो तो एक्स पे तो एरिया बाउंडेड हो, ठीक है। बात क्लियर है बेटा, सबको डाउट तो नहीं है इसमें, बोल सकते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। यस सर। अब इसमें ये थोड़ा ध्यान से देना है कि फोर्स नीचे आ रहा है तो आपका मान लो जैसे नेगेटिव फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको इस एरिया को नेगेटिव ही लेना है हमेशा, ठीक है, या हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो इसमें ऐसा रूल नहीं है, ये बहुत मेजर मिस्टेक का सोर्स है। आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो प्लॉट नीचे हैं उसको आप हमेशा नेगेटिव एरिया ले लेते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। आपको बताया होगा मैंने कि मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरीके का आ रहा है इसका, ठीक है, तो आपने इस तरह का बिल्कुल देखा होगा नोट्स में टी वन से टी टू तक, ठीक है ना। ये मान लो आपका क्या आ रहा है, वी टी प्लॉट आ रहा है, आपको चेंज इन कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एरिया कौन सा है, ये सारा एरिया बाउंडेड, तो आपको क्या बोला गया था, यहाँ पर ए वन है, ये आपका ए टू है, ये आपका ए थ्री है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा टी वन से टी टू का, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, ऐसे बोला जाता है कि नहीं, बोलिए याद है आपको इस तरह की बात, सबको पता है। सर एब्सोल्यूट एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। कौन सी एब्सोल्यूट चीज है, क्या वर्क नेगेटिव नहीं होता क्या, होता है, फिर आप ये कैसे कह रहे हो, ये आप कैसे कह रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है बेटा कि नीचे आने वाले को नीचे ले रहा है, इसमें डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, उससे चीजें गवर्न होगी। वहां पर स्ट्रिक्ट था कि आपका एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा, इनिशियल लिखो फाइनल लिखो, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री, ऐसे ही अगर एरिया और एक्सेलरेशन और टाइम का होता तो इस तरह का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे देता, ठीक है। बट यहाँ पर एरिया इस तरह से नहीं लिया जाएगा, थोड़ा ध्यान से लिया जाए, ठीक है। जैसे आपका मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट वर्क डन बाय, ये प्रॉब्लम है आपका, माइनस टू से जीरो तक का वर्क निकालो, जीरो से टू तक का वर्क निकालो, जीरो से माइनस टू का वर्क, ऐसे पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा, ठीक है ना। फोर्स का पोजीशन के साथ वेरिएशन इस तरह का दिख रहा है कि जीरो से टू तक फोर्स पॉजिटिव रहता है, जीरो से माइनस टू के बीच फोर्स हमेशा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये फोर्स का पोजीशन के साथ वेरिएशन इस तरह से दे रखा है, ठीक है, हमेशा ऐसे वेरी करेगा कोऑर्डिनेट के साथ फोर्स। अब मान लो पार्टिकल आपका माइनस टू से जीरो जा रहा है तो वर्क कितना होगा, पार्टिकल आपका जीरो से टू तक जा रहा है तो वर्क कितना होगा, जीरो से माइनस टू तक जा रहा है तो वर्क कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो पार्टिकल आपका माइनस टू से जीरो जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल आपका माइनस टू से जीरो जा रहा है, तो आपको निकालना है कि वर्क डन इसमें कितना होगा। तो माइनस टू से जीरो तक जाने में पार्टिकल के वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखो फोर्स, अब यहाँ एरिया तो लेना है, एरिया तो लेना ही है, ठीक है ना, बट उसमें साइन कैसा लगना है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। साइन माइनस टू से जीरो तक का वर्क होगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, माइनस टू से जीरो तक फोर्स नेगेटिव, बताइए माइनस टू से जीरो फोर्स नेगेटिव, जब आप माइनस टू से जीरो जा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव नहीं हो गया, ये सब पॉजिटिव है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आई कैप है और फोर्स आपका माइनस आई कैप है, तो आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, बात क्लियर है। तो पहले आंसर क्या होगा, एरिया तो निकाल लो इसका कितना आ रहा है,
एरिया कितना आ रहा है इसका, हाफ तो बेस इनटू हाइट, टेन है। टेन आ रहा है, क्लियर है ना ट्राइंगल का एरिया। अब ये -10 जूल है या +10 जूल है, आप कह रहे हैं -2 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स का प्लॉट इस लाइन के नीचे आ रहा है, तो ये बचपन से आपको बताया गया है कि ये एक्सिस नेगेटिव होती है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये फोर्स नेगेटिव है। माय नेगेटिव फोर्स मतलब, फोर्स के नेगेटिव का क्या मतलब, फोर्स कम हो रहा है ऐसा तो नहीं, फोर्स नेगेटिव का क्या मतलब है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका फोर्स है माइनस आई कैप, डिस्प्लेसमेंट है -2 से 0, समझ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, आई कैप की तरफ हुआ ना, इतना समझ में आता है, कईयों को इसमें डाउट आ जाता है। एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू -2 से 0 आने पे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बनेगा, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स बोल रहा है, ये -2 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आपका -2 से 0, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर तो क्या है, पॉजिटिव है, और फोर्स आपका नेगेटिव है, तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क क्या होगा, -10 जूल। क्लियर है बात एकदम, इसका बताइए, 0 से लेकर -2 तक पार्टिकल जा रहा है, अब क्या होगा, पॉजिटिव 10 जूल हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। किसी ने एक्सलरेशन की तरह याद ही कर लिया हो मेरे इतना मना करने के बाद भी कि प्लॉट नीचे आएगा तो एरिया नेगेटिव लेते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई इस वाले में भी आंसर वो क्या लिख के आएगा, -10, बट ऐसा नहीं, आपका फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, 0 से -2 का मतलब यही है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, +10 जूल आएगा। अब जब 0 से 2 जा रहा है तो 0 से 2 तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वो क्या आ जाएगा अपने आप, +10 जूल, ठीक है ना, पॉजिटिव फोर्स है, अगर ये 2 से 0 जाता तो यहाँ पर भी वर्क क्या आता, नेगेटिव आ जाता, तो आप बोल ही नहीं सकते फोर्स और एक्स एफ एक्स प्लॉट में, ये प्लॉट ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव ले लो, नीचे है तो नेगेटिव, ऐसा नहीं, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा आपका ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हो जाए, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वर्क, ठीक है, बात क्लियर है कनिष्क, आपको कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं सर, -2 से 2 ले लिए तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं दोबारा कौन कह रहा है बताओ पहले, तो एक तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं बोलूँ सर, हाँ सचिन बताओ बेटा, बताओ क्या कह रहे हो, इसमें -2 से 2 निकालेंगे वर्ग तो 0 हो जाएगा, -2 से 2, हाँ बिल्कुल, -2 से 0 निकालोगे, फिर 0 से 2 निकालोगे, तो 0 से 2 पॉजिटिव है, -2 से 0 नेगेटिव है, तो आपका टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक 0, क्लियर है, अगर आप -2 से 2 तक जाना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 से -2 तक जाना चाह रहे हैं, तभी क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, बताइए, क्लियर है? Yes. हाँ, तो आप टुकड़ों में निकालिए ऐसे, एरिया आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, तो अलग अलग वर्क लिखिए दोनों का, एक साथ मत करिए, जैसे वहां ऊपर कर रहे थे अपन a1 - a2 + a3 - a4 + a5, ये वहां कर सकते हैं आप, एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी टाइम, ठीक है, यहाँ वैसा नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको अलग अलग एरियाज का पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, इंडिविजुअल वर्क निकाले, पहले यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर ऐड करें, ठीक है, वर्क का साइन डिपेंड करेगा एफ वेक्टर और डी वेक्टर के बीच एंगल कैसा बने, ठीक है, बोलिए आशीष जहांगीर, कोई डाउट तो नहीं बेटा आपको इसमें? ओके, अभी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉमन मिस्टेक है, पहले पर WPE का पेपर होता है उसमें 11th वाले बच्चे भर के मिस्टेक करते हैं, इतना बताने के बाद, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप 11th में नहीं है बेटा, आपके पास सुधारने के टाइम कम है, ठीक है ना, तो सुधरते ही चलिए, गलती एकदम खत्म करते चलिए।